दोस्तों, अगर आपके एडसेंस अकाउंट में भी इस तरीके का एक मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है अर्निंग एट रिस्क, यू नीड टू फिक्स सम एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल इशू, तो इसी समस्या के समाधान हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, ये जो मैसेज आपके एडसेंस अकाउंट में दिखा रहा है ये कोई समस्या नहीं है। जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो एडसेंस आपको एक टी एक्स टी फाइल देता है जिसे हमें अपना ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस में अपलोड करना होता है। इसको हम अपने एडसेंस से डाउनलोड करेंगे इस फाइल को, और फिर ब्लॉगर में भी अपलोड, अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर पे है तो उसमें अपलोड करेंगे, और अगर वर्डप्रेस पे है तो फिर वहां जाके अपलोड करेंगे। अब अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर पे है तब तो ब्लॉगर में ऑप्शन देता है इस फाइल को अपलोड करने के लिए, लेकिन अगर वर्डप्रेस में है तो फिर बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसके लिए एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं और उस प्लगइन के द्वारा इस टीएक्सटी फाइल को अपलोड करते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्लगइन के द्वारा अपने वर्डप्रेस में इसे अपलोड ना करें, बल्कि सी पैनल में जाके और रूट फोल्डर में इसे अपलोड करें। तो इससे क्या है कि आप एक प्लगइन इंस्टॉल करने से बच जाएंगे, क्योंकि प्लगइन आपके साइट के रिसोर्सेज को घेरता है और उससे लोडिंग स्पीड धीमा होता है। तो इस वीडियो में हम इस टीएक्सटी फाइल को ब्लॉगर में भी अपलोड करना सीखेंगे, और वर्डप्रेस में प्लगइन के जरिए कैसे अपलोड करना है, और फिर सी पैनल पे जाके और रूट फोल्डर में कैसे अपलोड करना है। और अगर आपका ब्लॉग होस्टिंग डिजिटल ओसन से है तो फिर आप अपने सर्वर को एफटीपी जो होता है फाइल जिला उसके जरिए कनेक्ट करके उसमें कैसे अपलोड करेंगे, ये सभी प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और ये सभी तरीकों से इस फाइल को अपलोड करना सीख लेते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए इसी लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स नाउ, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये इस तरीके का स्क्रीन आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सी द एड डॉट टी एक्स टी गाइड, तो आप चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके और इस गाइड को पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और फिर ये पूछेगा कि आपको इस फाइल को कहाँ पे डाउनलोड करना है। तो क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर सेलेक्ट है, अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे ही इसे डाउनलोड करना चाहूँगा। यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है और फिर ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी हम यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल आ गया है एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल। अभी इसको अगर हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं आपका पब्लिशर आईडी यहाँ पे दिखेगा और इसके बाद यहाँ पे आगे कुछ कोड लिखा होगा। तो इसी फाइल को हमें रूट फोल्डर में ले चल के अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम, अगर आप डिजिटल ओसाइन का होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो फाइल जिला के मदद से इस फाइल को कैसे अपलोड करना है वो सीखेंगे। तो इसके लिए आप फाइल जिला को ओपन कर लीजिए और इसमें अपना सर्वर को कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं फाइल जिला में अपने सर्वर को कनेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे रिमोट साइट लिखा हुआ है और इसके सामने रूट लिखा है, तो आपको इसे डिलीट कर देना है और एक फॉरवर्ड प्लस लगाएंगे और इसके बाद यहाँ टाइप करेंगे वी ए आर वेर और फिर से फॉरवर्ड प्लस लगा के डब्लू 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 और फिर से फॉरवर्ड प्लस लगाएंगे और फिर यहाँ टाइप करेंगे एच टी एम एल और फिर से फॉरवर्ड प्लस लगा देंगे और इसके बाद एंटर बटन, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम इस फाइल में आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारा फाइल है। अभी आपको इसमें कहीं भी क्लिक नहीं करना है, अभी हमें इसी के अंदर अपना उस फाइल को अपलोड करना है जो हमने अभी अभी एडसेंस अकाउंट से ads.txt फाइल को डाउनलोड किया है। तो इसके लिए इस साइड में आएंगे और इसी साइड में यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक है। अगर आप उस फाइल को कहीं और डाउनलोड या फिर किसी और फोल्डर में रखे हैं तो फिर उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, अगर उदाहरण के लिए आप डाउनलोड फोल्डर पर रखे हैं, क्योंकि आपके डेस्कटॉप पे जो भी, आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पे दिखती है और आपके सर्वर में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे डेस्कटॉप से लेने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर इस साइड में वो सब दिखने लगेगा। तो देखिए, ये रहा ads.txt फाइल, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है ads.txt फाइल। इसे अपलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ अपलोड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वैसे ये और इधर अपलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये अपलोड हो गया, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ads.txt फाइल अपलोड हो गया। अभी आपका काम हो गया और आप इसे क्लोज कर देंगे। और अभी हम इसे चेक करने के लिए कि ये हमारा रूट फोल्डर में अपलोड हुआ है या नहीं, इसके लिए अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर अपना डोमेन को टाइप करेंगे। डोमेन टाइप करने के बाद आगे फॉरवर्ड प्लस लगाएंगे और फिर टाइप करेंगे ads.txt और इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये दिख गया। ये देखिए, ये आ गया फाइल, यानी कि फाइल सही से अपलोड हो चुका है।
अब अगर आप कोई शेयर होस्टिंग यूज कर रहे हैं, जैसे मेरे पास भी शेयर होस्टिंग है होस्टगेटर का, तो आप उस होस्टिंग अकाउंट को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो मैं होस्टगेटर को अपना ओपन कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने होस्टगेटर अकाउंट, या फिर आपके पास अगर ब्लू होस्ट है या फिर होस्टिंगर है तो उसमें लॉगिन कर लेंगे, और प्रोसेस बिल्कुल सेम है। और अभी आपको अपना सी पैनल में जाना है, तो यहाँ पे होस्टगेटर में सी पैनल पे जाने के लिए मैनेज ऑर्डर के ऊपर जाके लिस्ट ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हमारा डोमेन नेम दिखाई देगा तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और आप अपना अगर आपका कोई दूसरा होस्टिंग है तो उसमें सी पैनल में कैसे जाना है आपको पता होगा ही। अभी यहाँ पे मैनेज वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सी पैनल ओपन हो जाएगा। अभी इसमें हमें फाइल मैनेजर ढूंढना है, ये रहा फाइल मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक नया टैब में ओपन हो जाएगा। और अभी इसमें हमें पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर को ओपन करना है, तो इसी में नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक अंडरस्कोर HTML, इसके ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब हमें उस फाइल को यहीं पे अपलोड करना है, तो इसके लिए अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड का एक बटन है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है उस aids.txt फाइल को, ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल अपलोड हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ऐसे करके आप किसी भी शेयर होस्टिंग आपका चाहे कोई सा भी हो, सी पैनल में आके इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अभी हम अपना वर्डप्रेस में, अगर आप सी पैनल या फिर फाइल लीला के मदद से इसे अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल के द्वारा डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना वर्डप्रेस एडमिन पैनल को ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन कर लिया। अभी यहाँ पे प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे एड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सर्च में टाइप करेंगे aids.txt। तो ये टाइप करते ही नीचे वो वाला प्लगइन दिखेगा, ये रहा, ये दूसरे नंबर पे aids.txt मैनेजर। इसको अभी 90,000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है और फिर दोबारा से एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये प्लगइन इंस्टॉल होते ही आप प्लगइन वाले लिस्ट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी इस साइड में यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे aids.txt दिखने लगेगा, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो एक यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, देखिए ये बॉक्स खुल गया। अब इसी बॉक्स में अपना उस फाइल को डालना है, तो क्योंकि हम डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं, ये रहा aids.txt फाइल, इसके ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और ये जो एक लाइन में लिखा हुआ है इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे आएंगे और इसी बॉक्स में कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे सेव चेंजेज के बटन पर क्लिक कर देंगे और आपका काम हो गया। तो ऐसे करके आप प्लगइन के मदद से कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप प्लगइन ना इंस्टॉल करें और सी पैनल या फिर फाइल जिला के मदद से करें, क्योंकि प्लगइन आपके साइट का ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज घेरता है। और अगर आप खुद से सी पैनल में जाके करते हैं तो फिर एक प्लगइन इंस्टॉल करने से बच जाएंगे और आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो अब अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर पे है तो उस पे इस txt फाइल को कैसे हम ऐड करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसके लिए आप अपने ब्लॉगर को ओपन करें और यहाँ इधर इस साइड में एक मिलेगा ऑप्शन सेटिंग्स का, इस सेटिंग्स पे क्लिक करना है तो इसका सेटिंग्स इधर ओपन हो जाएगा। अभी आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोनेटाइजेशन का, ये रहा मोनेटाइजेशन। इसके सामने ये जो बटन है इस पर क्लिक करके इसे चालू कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे नीचे कस्टम aids.txt फाइल लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। अभी हम यहीं पे उस कोड को पेस्ट करेंगे, तो इसके लिए उस फाइल aids.txt फाइल को ओपन करेंगे और इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद वापस इसमें आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा और आपका काम हो गया। तो ऐसे करके आप अपने ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों में ही इस aids.txt फाइल को ऐड कर सकते हैं। ये सब कर लेने के बाद वापस आप अपने एडसेंस अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज अभी भी दिखेगा, ये मैसेज 24 से 48 घंटे के अंदर अपने आप हट जाएगा। और ऐसे करके आप aids.txt फाइल इशू को फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।